हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, आज सुबह मैं जा रही हूँ फरादी गांव। वहाँ पर माताजी का मंदिर है, तो वहीं पर मैं मंगलवार यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आज देवम और तीर्थ दोनों मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो मामा के घर पर गए, तो आज मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। वहाँ से मेरी फ्रेंड भी आएगी। तो अब जो वातावरण एकदम धुम्मस वाला है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आगे की ओर। देखिए, दीवाल की तरह छा गया है पूरा। वहाँ पर दादा का घर है, वो भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वातावरण बिल्कुल भी आज साफ नहीं है। ऐसे मौसम में अच्छा लगता है कहीं पर जाना। तो अभी मैं निकल रही हूँ, गेट के पास आ गई हूँ मैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं आशापुरा मंदिर। तो यहाँ पर है मेरे साथ मेरी फ्रेंड सीतल। हम लोग स्कूल फ्रेंड है, हम लोग स्कूल में साथ में थे। हम चार फ्रेंड थी, मैं, सीतल, भूमि और अवनी। तो भूमि और अवनी दोनों की शादी हो चुकी है, वो दोनों अभी हमारे साथ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। सीतल का जो गाँव है वो फरादी ही है, तो हम लोग इसीलिए साथ में हो पाए हैं। और मेरे पीछे क्यूट सा पप्पी आ रहा है, लेकिन मैं घर से उसके लिए कुछ लाना भूल गई। कुछ बिस्किट लेके आती तो शायद उसको दे पाती, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पर पप्पी होंगे छोटे छोटे, मस्त कर रहे हैं दोनों। दोस्तों, अभी हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं, वह मंदिर कच्छ जिले के मांडवी तालुके के फरादी गांव में आया हुआ है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रुचिस्पद और कुदरत से भरा हुआ है। इस मंदिर के चारों ओर पानी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर है वो तालाब के बीच में है। यह मंदिर को आसपास के लोग वड्डी माता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मोटी माता। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड सीतल अभी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस मंदिर में दाई और माँ आशापुरा और बाई और माँ चाचर विराजमान हैं। यहाँ पर आप दोनों माताओं को देख सकते हैं। इस मंदिर में स्वयं भू प्रकट हुई माँ आद्याशक्ति के स्वरूप में दर्शन मिलते हैं। तालाब में पानी सूख गया है, लेकिन यहाँ की आप मिट्टी का कलर देख सकते हैं, एकदम रेड कलर है यहाँ की मिट्टी का। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रुचिस्पद है। यह कहा जाता है कि कच्छ प्रदेश के महान राजा श्री देवर्षि बाबा के स्वप्न में माँ आद्याशक्ति के स्वरूप में दर्शन दिए और मंदिर निर्माण के लिए संकेत दिया।
जिससे प्रेरित होकर वहां पर शोध कार्य करने पर मां आद्याशक्ति की स्वयं भू प्रकट हुई दो मूर्तियां मिली। उसके बाद राजा ने मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर के परिसर में प्रकृति से बने हुए लाल रंग के छेद वाले पत्थर पाए जाते हैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये प्रकृति से बने हुए पत्थर है, यहाँ पर हमें छेद वाले पत्थर ढूंढने पर मिल जाते हैं, सारे पत्थर छेद वाले नहीं होते हैं। तो आप इस पत्थर को देख सकते हैं, बीच में छोटा सा छेद है। इस छेद में काले रंग या तो लाल रंग का धागा परोया जाता है और उसे पहनने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो आपको बुरी शक्ति से बचाता है और आपकी रक्षा करता है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो अक्सर ऐसे पत्थर को ढूंढते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके गले में ये पत्थर पहनाया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो हम काफ़ी अंदर की ओर आ गए हैं तालाब में। अभी तालाब का पानी सूख गया है लेकिन जमीन अभी भी गीली है। तालाब के अंदर ऐसे काफी सारे ऊपर नीचे जमीन है। मैं और मेरी फ्रेंड शीतल काफी अंदर तक आए हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी मन से मन्नत मांगते हैं वो आपकी सारी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपको ये वड्डी माता का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल खुशी विलेज लाइफ व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबाना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।